हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत फर्स्ट लेसन के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि पहला लेसन द फन दे हैड राइटर हैं आइज़ैक आसिमोव इसके राइटर हैं। अब इस पाठ का अर्थ ये हुआ कि द फन दे हैड, वे आनंद जो उनके पास होते थे। अब हम लोग कंप्यूटर से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। इसमें कि थ्रू द कंप्यूटर जब लोगों को पढ़ाई जाती थी, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? द डायग्राम बिलो मेनी गिव यू सेम सम आइडियाज। तो हियर अ डायग्राम हैज बीन गिवन एंड एवरीथिंग वाज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन। अब हम लोग इस लेसन की तरफ चलेंगे और देखते हैं ये मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 शी रोट 17 May 2157 पर अंकित पृष्ठ पर उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को सचमुच की एक किताब मिली। इट वॉज अ हैवी ओल्ड बुक, यह पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट, तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक समय ऐसा भी था जब सारी कहानियां कागज पर छपा करती थी। दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने पेज पलटे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले तथा मुड़े तुड़े थे। एंड इट वॉज अवे फुल्ली फनी टू रीड वर्ड दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू और स्क्रीन। तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय ऐसा भी था जब सारी कहानियां कागज पर छपा करती थी, उन्होंने पेज को पलटे, जो कि पीले तथा तुड़े मुड़े थे, येलो एंड क्रिंकली, एंड इट वॉज अवे फुल्ली फनी टू रीड वर्ड्स, और उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं जो कि स्क्रीन पर उसी प्रकार चलते थे जैसा कि सोचा जाता है। ऑन स्क्रीन यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर। पढ़ना बड़ा अजीब था, और जब वे फिर से पिछले पेज पर गए तो उस पर वे
ही शब्द थे जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। ही हैड हिट हैड बी हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। दूसरा पैराग्राफ चलते हैं। गी सेड टू टॉमी व्हाट वेस्ट। अरे टॉमी ने कहा व्हाट वेस्ट कैसी बर्बादी है। व्हेन यू वर थ्रू विद द बुक जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं यू जस्ट थ्रू अवे। आई गेस मैं समझता हूँ कि आप उन्हें फेंक देते हैं। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ बिलियन बुक्स ऑन इट। कहा कि हमारे टेलीविजन की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी और कहीं ज्यादा और आ सकती हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। तो मैं उसे नहीं फेंकता हूँ। सेम विथ माई मैं भी नहीं। एंड मार्जी सेड मार्जी ने कहा शी वॉज 11 वह 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। मार्जी ने कहा वह 11 वर्ष की थी तथा उसने टॉमी जितनी टेलीबुकें नहीं देखी थी। वह 13 वर्ष का था उसने कहा। शी सेड उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट तुम्हें यह कहाँ से मिली। इन माई हाउस मेरे घर में। कहा कि इन माई हाउस मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। उसने बिना देखे संकेत किया। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग उसने बिना देखे संकेत किया बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक दो छत्ती घर में। व्हाट्स इट अबाउट यह किस बारे में है। स्कूल स्कूल के बारे में है। तीसरा में तीसरा है मार्जी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल। मार्जी तिरस्कार से भरी थी स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल स्कूल के विषय में लिखने को क्या है। आई हेट स्कूल मुझे स्कूल से घृणा होता है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल मार्जी हमेशा से स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर पर अब वह इसे और भी ज़्यादा घृणा हो गई। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट यांत्रिकी अध्यापक उसे भूगोल में परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था। टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी यानी यांत्रिकी अध्यापक उसे भूगोल में परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स और वह खराब से खराब किए जा रही थी। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सर फुल्ली अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया। एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर काउंटी इंस्पेक्टर और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवा लिया। काउंटी इंस्पेक्टर क्षेत्रीय निरीक्षक को उसने बुलवा लिया। अब चौथा पैराग्राफ की तरफ हम चलते हैं।
जैसा कि चौथे पैराग्राफ में यह दर्शाया गया है कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस, वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, जिसके पास औजारों डायलों तथा तारों से भरा पूरा बक्सा था। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया एट मार्जी, मार्जी को देखकर वह मुस्कुराया, एंड गेव हर एंड एप्पल, और उसने उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब वह अध्यापक को एक ओर ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी को आशा थी कि उसे इसे पुनः जोड़ना नहीं आता होगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, पर उसे सब कुछ ठीक करना आता था। एंड आफ्टर एन आवर आर सो, और करीब एक घंटे के बाद यह फिर से विशाल और काला और क्रूर हो गया। इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा काला और क्रूर हो गया। विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर सोन, विशाल स्क्रीन के साथ जिस पर सारे पाठ दिखाए गए थे, तथा द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे गए थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, वह इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट, जिस भाग से मार्जी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वह था खांचा। वह खांचा था वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जिसमें उसे गृह कार्य तथा परीक्षा प्रश्न पत्र डालने होते थे, एंड टेस्ट पेपर। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसे उन्हें हमेशा पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न जो उसे सिखाए गए थे। व्हेन शी वाज सिक्स ईयर्स ओल्ड, तब जबकि वह 6 वर्ष की थी, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और यांत्रिकी अध्यापक बिना समय लिए अंकों की गणना कर देता था। तो ये चौथे का अर्थ हो गया। अब पांचवा पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जिस हेड, कार्य समाप्त कर चुकने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया तथा उसने मार्जी का सिर थपथपाया, पैटेड माने थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह इस छोटी बच्ची का दोष नहीं है। मिसेस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मेरे विचार से भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। कभी कभी ऐसा होता है, दोस थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा ही होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वस्तुतः
कुल मिलाकर उसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है, उसके प्रगति का कार्य बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जी सेट अगेन। फिर उसने मार्जी का सिर थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराशा में थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसे आशा थी कि वे अध्यापक को पूरी तरह दूर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। वे एक बार टॉमी के अध्यापक के लगभग एक माह के लिए दूर इसलिए ले गए थे क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूर्णतः खाली हो चुका था। दिया बिकाज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, इतिहास का क्षेत्र, हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, पूर्णतः खाली हो चुका था। अब पैराग्राफ 6 पर चलते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी बहुत ही श्रेष्ठतम दृष्टि से उसकी तरफ देखा। बिकॉज, क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, मूर्खतापूर्ण। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुरानी तरह का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, वह धीरे से अपनी बात को आगे जोड़कर कहा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, यानी शब्दों का बड़े सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले इस तरह के स्कूल हुआ करते थे। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को बड़ा दुख था। वेल, अच्छा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, इतने समय पहले किस प्रकार के स्कूल उनके पास होते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, वह अपने कंधे के ऊपर को पुस्तक लिए हुए पढ़ती थी। देन सेड, तब कही, एनी अवे दे हैड अ टीचर, फिर भी जैसा हो वे टीचर होते थे, अध्यापक होते थे। श्योर दे हैड टीचर, निश्चित ही उनका एक अध्यापक होता था। बट इट वॉज नॉट रेगुलर टीचर, लेकिन वह नियमित अध्यापक नहीं होता था। इट वॉज अ मैन, वह तो व्यक्ति हुआ करता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, व्यक्ति, कोई व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वह तो लड़के और लड़कियों को केवल बातें बताया करता था। He just told the boys and girls things. वह तो केवल लड़के और लड़कियों को बातें बताया करता था। And gave them homework, और उन्हें गृह कार्य दिया करता था। And asked them question, और उनसे प्रश्न पूछा करता था। अब सातवें में आ जाइए। A man is not smart enough, कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता।
श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। निश्चित रूप से मेरे पिताजी उतने ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा। मुझे पक्का विश्वास है उन्हें लगभग उतना ही आता है। कहा कि मुझे पक्का विश्वास है कि उन्हें उतना ही आता है। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी बहस करने को तैयार नहीं थी। शी सेड वह कही, आई वुड नॉट वॉन्ट टू एक्सचेंज मैन इन माई हाउस। मैं नहीं चाहूंगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा। यू डोंट नो मच मार्जी। मार्जी तुम्हें ज्यादा कुछ पता नहीं। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। अध्यापक मकान में नहीं रहते थे, विशेष प्रकार के भवन में हुआ करते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग। वे विशेष प्रकार के भवन में हुआ करते थे। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और सारे बच्चे वहाँ पर जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न्ड द सेम थिंग। और सारे बच्चे एक ही चीज को पढ़ा करते थे। श्योर इफ दे वर सेम एज। निश्चित ही यदि वे एक ही उम्र के होते तो। कह रहे कि निश्चित ही यदि वे एक ही उम्र के होते तो। अब पैराग्राफ नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। किंतु मेरी माता जी कहती हैं कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है। एडजस्टेड। अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है। और यह कि हर बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, आज इतना पर्याप्त है। कल नेक्स्ट डे पर आगे का पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।